तो अभी बस सबसे पहले आप ये वीडियो देख ले। मैं जो है आज से रोजे को जो है दावत दे रहा हूँ, और मैंने ये सोचा है कि शायद हाशिम भाई जो है हमसे नाराज होंगे, तो इस वजह से जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और उन्हें स्पेशली इनवाइट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा पूरा वसीब जो या हमारे हमसाए सबको हमने कहा है कि आपने 27 रोजे को जो है हम रोजे की अफ्तारी करा रहे हैं, तो मैंने हमने बड़ी अफ्तारी कहा था, तो इंशाल्लाह जो हम कहते हैं मियां बीवी हम वो जरूर करते हैं, आपको पता होगा। तो इस वजह से जो है हमने दावत रखी है 27 रोजे को, और मैं अपनी तरफ से हाशिम भाई को कह रहा हूँ बार बार कह रहा हूँ कि आपने हाशिम भाई हमसे नाराज है, वो कब का जो है हमारे घर नहीं आए, तो इस वजह से जो है हम उस तक जो है मैसेज पहुंचा रहे हैं। आपने हाशिम भाई और रिमशा और सिस्टर शाजिया आपने जो है ज़रूर आना है, और मैं जो है आपको इनवाइट कर रही हूँ और आप तक मैसेज जो है ये पहुंच जाएगा। तो व्यूअर्स असल में बात क्या है, मैं आपको बताती हूँ कि मिनाज आपी और शायद भाई क्यों कह रहे हैं कि हमारी दावत पे आओ, इनवाइट कर रहे हैं, और इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि जब हमने दावत जुमे को हमारी दावत थी और फौजिया आपी भी आई थी और अदनान भाई भी आए थे, तो शायद भाई नहीं आए और मिनाज आपी भी नहीं आए क्योंकि उनकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इसलिए कल उनकी दावत है, तो उन्होंने ख़ास तौर पर हमें बुलाया है कि कहा है कि आप ना आए तो हम आपसे नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए हम जो है कल जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ और रिमशा भी जा रही है, लेकिन घर में कौन कौन जाता है तो अपने व्यूअर्स से जो है शेयर करेंगे। कल की वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है, तो आपने हमारी वीडियो अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैर से होंगे और अल्लाह के फजल और करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जितनी भी मेरी प्यारी बहनें हैं भाई हैं दुख और तकलीफ में हैं, तो अल्लाह ताला उन सब की जो है दुख और तकलीफ दूर करे, तो इसीलिए दुआ के साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं। और आगाज़ करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आपने हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो मुस्तकीम भी मेरे साथ हैं, तो अस्सलाम वालेकुम करो अपने व्यूअर्स को। अब ये कहता है अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे अम्मी के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी बस शाम का टाइम हो चुका है और अब तैयारी के लिए चीज़ें भी बनानी है और उसकी तैयारी भी करनी है, तो अम्मी से पूछते हैं कि अम्मी को जो है आज बहुत ज़्यादा रोज़ा लगा है क्योंकि पूरा दिन जो है हमारे यहाँ लाइट नहीं थी, तो इसलिए आज मुझे भी काफ़ी सारा रोज़ा लगा है और अम्मी को भी। तो हमारे यहाँ एक हमसाई है वो कपड़े बेचती है, तो अम्मी ने एक सूट लिया है अपनी माँ के लिए, वो भी चल के आपको दिखाती हूँ। तो बस ये देखें, ये है दुपट्टा और ये रही सलवार और ये है कमीज। तो बस ये देखें, ये अम्मी ने अपनी माँ के लिए लिया है। तो हमने तो अभी तक शॉपिंग की ही नहीं क्योंकि हम भाई को कह रहे हैं, लेकिन भाई कहता है एक दिन पहले जो है हम जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, हमारी गरीबों की शॉपिंग होती भी क्या है, थोड़ी सी ले लेंगे, मुस्तकीम के लिए एक जोड़ा ले लेंगे, एक जोया के लिए एक मैं ले लूँगी और एक रिंचा ले लेगी, बस इतनी सी हमारी शॉपिंग होगी। तो अभी बस अम्मी से पूछते हैं कि आज अम्मी को जो है काफ़ी रोज़ा लगा है, आप देख सकते हैं अम्मी का चेहरा जो है बहुत ज़्यादा खुश्क हो गया है। तो अभी बस माह रमज़ान आया और जा भी रहा है, तो हमें उसका बहुत ज़्यादा अफसोस है क्योंकि कल तो हम कह रहे थे कि बरकतों वाला महीना आ गया है और हम सब बहुत ज़्यादा खुश थे और रोज़े रख रहे थे, लेकिन आपको पता है कि कल 27 का रोज़ा है, तो जा रहा है, हमें तो बहुत ज़्यादा अफसोस है। तो कल जो है हम जाएंगे मिनाज आपी के घर में, तो अच्छे अच्छे लोग बनाएंगे और सब बहन कल सब बहनों से आपको मिलवाने वाली हूँ। तो आप पूछ रहे होते हैं कि आपकी कितनी बहनें हैं, तो मैं कल जाऊंगी तो सब से आपको मिलवाऊंगी कि मेरी कितनी बहनें हैं, और आप कल के भी लोग जो है बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, तो आपने हमारी वीडियो के साथ ही रहना है। अभी जो है चलते हैं और अफ्तारी की तैयारी जो है वो भी करते हैं, और अम्मी को जो है आप देख रहे हैं काफ़ी रोज़ा लग चुका है, तो इसलिए अभी चलते हैं काम जो है जल्दी ख़त्म करते हैं। अम्मी का जोड़ा जो है रख लेते हैं, फिर अपनी मम्मा को कल, मम्मी भी जाने वाली है क्योंकि ये कहती है कि मैं अकेली घर नहीं रहूँगी क्योंकि मिनाज आपी की तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो अम्मी कहती है मैं भी जाऊँगी उनसे भी हो,
हो लूँगी, तो अभी चलते हैं। तो अभी बस मैंने झाड़ू वगैरह जो है लगा दिया है, अभी मैं सालन बनाने लगी हूँ और रिमशा जो है आटा गूंदने लगी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो शायद आती कि आपने पूरी सपोर्ट करनी है और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर करना है। रिमशा तो शायद आप आज क्या बना रही हो? मैं आलू बना रही हूँ आज। तो अफ्तारी में जो है कम टाइम रहता है, आधा घंटा जो है रहता है, तो जल्दी जल्दी काम जो है ख़त्म करने होंगे। सालन जो है आधा घंटा जो है लग जाता है सालन बनाने में, क्योंकि हमारे पास गैस वगैरह तो है नहीं, लकड़ियाँ पे ही हम बनाते हैं। अरे अम्मा तू क्या करें दी वदी है? लकड़ी वो गंदू है, चूड़ियाँ तनूर है। अच्छा अम्मी ये लकड़ियाँ जो है वो ख़त्म हो गई, अम्मी कह रही है कि लकड़ियाँ ख़त्म हो गई, अभी तंदूर में गोहे थापियाँ जिसे बोलते हैं है ना, वो डाल के अब हम इस पे पकाएंगे रोटियाँ, और लकड़ी भी डालेंगे ये भी डालेंगे फिर ये बनेंगी, ऐसे ही ना अम्मी? हाँ। तो आज अम्मी की अम्मी को बहुत ज़्यादा रोज़ा लगा है। लाइट अल्लाह का नाम लो, अगर कोई वापडा में से कोई भी हमें देखता है सुनता है लाइट होंदी क्या होंदी, गर्मी बहुत है। तो खुदा के वास्ते जो लोग रोजे रखते हैं, वैसे भी जितने भी मुसलमान हैं सब, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, कुछ ख्याल करें खुदा के लिए, लाइट का मसला जो हो सकता है इसका कुछ कर दें। बस ये थी आज की हमारी वीडियो, तो आपको कैसी लगी है तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। तो कल का व्लॉग आप भूलिएगा नहीं, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कल का व्लॉग जो है बहुत ही अच्छा होने वाला है। और हमने बताया तो है कि हमारी 5 बहनें हैं, लेकिन हमने आपको दिखाया नहीं, आपको दिखाएंगे। तो कल का व्लॉग बहुत ही मज़े का होगा और मैं नाज़ापी के साथ बनाएंगे। तो मिलेंगे एक कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।